सारा बाबा साहब का मुद्दा लगा। आज हम यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले के पास अरुण गोडे साहब विरोधी पक्ष नेते और मैं एक विजिट जाते जाते रुक गए हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है कि शहर के अंदर शिवाजी महाराज का पुतला बन रहा है क्रांति चौक पे, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी करोड़ रुपए दिए और महानगर पालिका की बहुत इच्छा थी कि एक बहुत बड़ा भव्य वहाँ पे पुतला बनाया जाए, जिसके लिए करोड़ों रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई। अच्छी बात है और वो बन रहा है, लेकिन वहीं पर जो शिल्पकार है घटना के, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनके संविधान से ये मुल्क चलता है, तो यहाँ देखने में यह आ रहा है कि एक पुतला जो यहाँ पर भड़कल गेट के पास में स्टैचू लगा हुआ है, उसकी आज जो स्टैचू के नीचे जो फर्शियाँ लगी हुई है वो कई जगह उखड़ चुकी है, और आप चारों तरफ अगर इसके घूम कर देखेंगे तो ये समझ में आएगा, ये जो फर्शी है बाबा साहब अंबेडकर के पुतले के पास की, ये निकल चुकी है। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि कई जगह ऐसे झाड़ आ चुके हैं जिसमें से पानी भी गल रहा है, और ये कई जगह ये जो फर्शी है ये गिरने की कगार पर है। क्या यही इंसाफ है महानगर पालिका का कि बाबा साहब अंबेडकर जिनके घटना के हिसाब से ये मुल्क चलता है, जिनके जिन्होंने संविधान के रचना कर है, वो उनके पुतले की ये हालत है और दूसरे पुतले करोड़ों रुपए के बन रहे हैं। हमको उससे कोई गीला शिकवा नहीं है, बनाए, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर के पुतले का ख्याल रखना चाहिए। और अगर महानगर पालिका इसके बाद में अगर ये देखने के बाद में भी अगर हरकत में नहीं आई, तो उनको उनकी हम लोग जाकर उनके सामने हमारी मांग रखेंगे। अगर इसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो महानगर पालिका को हमारा गुस्सा झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप चारों तरफ घूम कर देखिए, सिर्फ 14 अप्रैल के दिन यहाँ पर थोड़ी सजावट की जाती है, और वरना दूसरे कई पुतले हैं जिनके यहाँ की जो आप लाइट्स देखेंगे तो ये कई लाइट जो है तो उखड़ चुकी है, निकल चुकी है, ये देखिए। और जो लाइट लगी हुई है वो बिल्कुल खस्ता हालत में गिर के पड़ी हुई है नीचे, ये फर्शियाँ जो है ये उखड़ी हुई है, ये फाउंटेन्स बंद रहते हैं सिर्फ 14 अप्रैल के टाइम में इसको चालू किया जाता है। ये इतना खूबसूरत इलाका, इतने खूबसूरत जगह, और ये हाउस के अंदर की गंदगी देखिए आप। महानगर पालिका का रवैया है, ये यहाँ की फर्शी देखिए, ये भी निकल चुकी है, ये देखिए आप, ये हालत है यहाँ की। महानगर पालिका ने हरकत में आना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले का सौंदर्यीकरण के लिए इन्होंने फंड अवेलेबल करवाना चाहिए, और अपने फंड से इसको बहुत खूबसूरत जगह बनाना चाहिए। ऐसी डिमांड MIM के ओर से मैं विरोधी पक्ष नेता अरुण गोडे और नासर सिद्दीकी ऐसी मांग हमारी पार्टी की ओर से रख रहे हैं। महानगर पालिका ने इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और महानगर पालिका ने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले की भी और उसका जो आसपास का इलाका है इसको साफ सफाई और इसको मेंटेन रखना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है।